नमस्कार, मैं महक और आप देख रहे हैं हरियाणा की खबर। हरियाणा के पानीपत में रोजाना एक से बढ़कर एक मामले सामने आ रहे हैं। बता दें कि कभी यहां भ्रष्ट व्यवस्था की पोल खुलती है तो कभी ठेकेदारों और अफसरों की नाकामी का सामना आम जनता को करना पड़ता है। बता दें कि पानीपत के सनोली रोड पर नाले बनाए जा रहे हैं, इनका काम इतना धीमा है कि दुकानदारों को 2 सप्ताह तक दुकानें ही बंद करनी पड़ी। दुकानदारों के सामने अपने ही काम का संकट खड़ा हो गया है। सनोली रोड बाजार के प्रधान सुनील चावला हैं। इसी रोड पर नाले बनाए जा रहे हैं। नाले बनाए जाने के दौरान नाले में ही पानी भर गया। अब जब तक पानी की निकासी नहीं होगी तब तक निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। पानी की निकासी के लिए जनरेटर मंगाया गया, लाख कोशिश की गई, परंतु फिर भी काम चालू नहीं होने पर दुकानदारों ने अफगानिस्तान के इंजीनियर बुलवाने की मांग की, जिससे कि जल भराव को खत्म कर नाली का निर्माण जल्द से जल्द किया जा सके। वहीं प्रधान ने कहा कि पानीपत के अफसर इतने नाकाम हो चुके हैं कि लगता है कि अब बदहाल अफगानिस्तान ही समस्या का समाधान करेगा। इस नाले का निर्माण कार्य बहुत धीमा है, किस्तों में यह कार्य किया जा रहा है, जिस वजह से दुकानदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वह अपनी दुकान भी नहीं खोल पा रहे, ठेकेदार भी किसी की कोई बात नहीं सुनते। ठेकेदार सोनू ने बताया कि पीछे नाला ब्लॉक है, इसके लिए नगर निगम से बात हुई है, जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी की और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।